हाँ तो भाई स्वागत है फिर से आप लोग का आज इस नए वीडियो में। और फिर हम जैसे बताए आप लोग के गुलाब बाड़ी आ चुके हैं। और भाई ये गुलाब बाड़ी काफ़ी अच्छा यहाँ पर फुब्बारा उब्बारा चलता है, पीछे हमारे देख रहे होंगे इस समय बंद पड़ा है, जो कि फाउंटेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और फिर भाई ये पीछे हमारे देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा यहाँ पर जो ये नज़ारा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पर फूल वूल रहता है, बाकी गुलाब उलाब के फूल काफ़ी रहते हैं और भी तमाम प्रकार के। यहाँ पर आप लोग को लेकर चल रहे हैं हम, दिखाते हैं क्या क्या नज़ारा है। तो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं विपिन भाई, जो कि गांव से आए थे और प्रयागराज से आ रहे हैं, हालांकि काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग आज बहुत दिनों बाद इनसे मुलाकात हो रही है। हमारा अनुमान है लगभग 4-5-6 महीने बाद पहली बार मुलाकात हो रही है। भाई भी बनारस में रहते हैं, हम इलाहाबाद में हैं, तो हम लोगों का मुलाकात कम ही हो पाता था, संगम कम ही हो पाता है, तो आज संगम ये अयोध्या की इस पावन धरती। बाकी आप लोग देख रहे होंगे जैसे जो मैं आप लोग को बता रहा है, तो फिर सभी लोग यहाँ पर अपने अपने साथ में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। बाकी और ले चल रहे हैं आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं यहाँ पर जो जो भी हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई धूप तो हो रही है लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम सोच रहे हैं बना दे अच्छे से कि आप लोग भी इंजॉय करिए। अगर हम भी मौका मिले तो आके देखिए यहाँ का दृश्य। ये देखिए वाइट गुलाब है, देख लीजिए आप लोग देख रहे हैं ये सभी वाइट गुलाब जो है, सफ़ेद के गुलाब काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये गुलाब बाड़ी है भाई, अगर आप लोग घूमना चाह रहे हैं इंजॉय करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट स्थान है कि आप आ सकते हैं यहाँ पर घूम सकते हैं। अगर आप किसी को साथ में लेना चाहें तब भी आ सकते हैं। देख रहे होंगे पीछे कितना अच्छा नज़ारा, हम लोग आज पूरा एकदम घूम घूम के आप लोग को दिखाएंगे इस वीडियो में कि कितना अच्छा। इसको फूल दिखाइए, देखिए शांति का प्रतीक है ये, कौन सा ये वाला वाइट गुलाब जो है, ये काफ़ी अच्छे अच्छे गुलाब देख लीजिए। कई प्रकार के यहाँ पर जो गुलाब बाड़ी बोला जाता है कि गुलाब बाड़ी भाई क्या है, क्या फेमस है, तो इसमें गुलाब है और प्राकृतिक जो धरोहर हैं, बहुत पुरातत्व सर्वेक्षण है तो वहाँ पे ये रखा गया है। पीछे हमारे देख रहे हैं कितना अच्छा किला बनकर तैयार है गुम्बद की तरह। बाकी यहाँ पर अभी अंदर ले चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी निब्बे निब्बे रहते हैं जो कि यहाँ पे कांड कर देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई देखिए कुछ लोग अच्छे भी आते हैं, वो एक उधर एक सिंगल वहाँ पर बैठा है, तो मतलब कुछ अच्छे भी आते हैं और कुछ गड़बड़ भी आते हैं, तो वही गड़बड़ लोग ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी पहले लोगों ने इसे बदनाम करके रखा हुआ था, लेकिन अब बाकी ये देख रहे हैं ये भी एक कमल की तरह खिलने वाला, कितना अच्छा लग रहा है एकदम। इसका आप लोग बताइएगा इसका नाम क्या है, एकदम आप लोग बताइए क्या नाम है, क्या नाम है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं फूलों का क्या नाम है। भाई लाल लाल कलर कितना अच्छा खिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी आगे चलते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ पर घूमने आए हैं, मित्र लोग हैं, उनको भी दिखाते हैं। तो देख रहे हैं किला एकदम मस्त शानदार एकदम लग रही है प्रस्तुति यहाँ पर। भाई देख लीजिए कुछ लोग सेल्फी उल्फी ले रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, दूसरे दूसरे ज़िले से होकर भाई सभी लोग आए हुए हैं क्योंकि गुलाब बाड़ी मनमोहक दृश्य का नज़ारा देखने के लिए, घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बाकी ये देखिए बॉडी बिल्डर है भाई, अंगूर भाई है, पनीर खा के एकदम शरीर बनाया है, ऊपर से शरीर बनी हुई है, अंदर से किडनी फेफड़ा सब कुछ गायब हो गया। अरे भाई दुआ करो जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, किडनी उडनी जो गड़बड़ हुई है सब ठीक हो जाए। बाकी एकदम पीछे से देखिए गुम्बद कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मनोहर दृश्य मनमोहक लग रहा है। ये हमारे पीछे जितने हमें सभी सफेद गुलाब है, व्हाइट कलर के रोज है जो है। आप लोग को यहाँ पर देखना चाहते हैं गुलाब का पौधा लेना चाहते हैं, कोई भी प्लांट लेकर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कुछ लौंडे जो हैं कलाकारी कर दिए हैं, ये देखिए नंबर वंबर लिख दिए हैं, ये अजीत नाम का लड़का बना दिए हैं, लड़की को चक्कर में खुशबू माई लव, ये सब कहाँ है यार, खुशबू माई लव कहाँ है, ये सब बताइए फॉलो मी, ये सब कहाँ है। अरे फॉलो की जगह फॉक मी लिख दिए होते तब भी ठीक था, ये देखिए टूटा दिल लिख दिया है यहाँ पे भाई, इतने इतने लोग यहाँ पे आते हैं सब कारनामा करके जाते हैं, लेकिन ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई यहाँ पे पुरातत्व सर्वेक्षण है, दूर दूर से लोग टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, और आप लोग ये कलाकारी करेंगे तो भाई कैसा रहेगा। तो आप लोग कलाकारी ना करिए, यहाँ पर घूमिए मौज मस्ती करिए एंजॉय करिए। बाकी फिर अब आप लोग को आगे वीडियो में और कुछ दिखाते हैं चल करके, तो बने रहे हमारे साथ, आप लोग अच्छी से अच्छी वीडियो हम दिखा रहे हैं। तो फिर आगे ले चल रहे हैं आप लोग को भाई, यहाँ पर भी देखिए कलाकारी कला कूट कूट के कलाकारी की गई यहाँ पर भाई, सभी लोग जितने तरीके से यहाँ पर देख लिए, कितना हाइड्रोपम्प लगा हुआ है जो है, तमाम प्रकार के रेड रोज हैं, वाइट रोज हैं, येलो रोज हैं, सब ये गुलाब हैं। आप लोग अगर लेना चाहें अपने घर पर लगाना चाहें तो आप लोग इसको लेकर जा सकते हैं।
बाकी आप लोग देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर भी इंजॉय कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर कोई लिख गया भाई, जो लिखे हो कमीना। वाह भाई गजब की, मतलब ये लाइन जो ढूंढ ढूंढ के आते हैं ना पता नहीं कहाँ से, ये लाइन भाई अच्छी अच्छी लेकर चले आते हैं लोग, जो कहते हैं कि हाँ ये भाई ऐसा है वैसा है। देखो यहाँ लिखा है जो लिखे कमीना, का मतलब है इसका लिखने का, लेकिन अपना अपना नजरिया है, अपना अपना सोच है। बाकी देख ही रहे हैं आप लोग यहाँ पर कितने अच्छे से लग रहा है। बहुत सारा घूम लिया यहाँ पर, एक कोने उधर इधर उधर सब जगह घूम कर हम लोग देखा, बहुत कुछ देखे। और अब हम लोग अब चल रहे हैं बाहर गेट के, वहाँ से थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे। पानी हो जाए भाई, नाश्ता पानी हो जाए। बाकी हमारे जिगरी जिगरी दोस्त लोग जो काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई, दोनों लोग संगम प्रयागराज में रहते थे, ये हमारे यहाँ थोड़ा कुछ अपरिहार कारणों से घर चले आए हुए हैं। जल्द ही इनका बीएड चल रहा है, ये यही वो शख्स है जिन्होंने बीएड में 64 रैंक लाए थे ऑल इंडिया आल यूपी। अच्छा बहुत अच्छी भाई, एकदम भाई को बधाई हो, जल्द जल्द टीचर उचर बन जाए भाई, एकदम तगड़े में रहे। बाकी तो भाई घूमने में मजा आ गया। अगर आप लोग घूमना आने यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर टिकट नहीं है, 0 रुपए में आप घूम सकते हैं। जो आप नाश्ता वास्ता करेंगे वही सब आप लोग को लगेगा, बाकी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क है, चाहे जहाँ से आप घूमना चाहें और फिर चाहे जैसे श्री राम की नगरी में आपको चाहे जहाँ भी घूमना चाहेंगे फ्री में है, कोई टिकट नहीं कटता है, कोई कुछ नहीं होता है। बाकी आप आएँ यहाँ पर बेझिझक अपनी गाड़ी यहाँ पर जमा कराएँ, वो भी निःशुल्क है, जमा करके आप लोग यहाँ पर घूमें एंजॉय करें। आप महिला मित्रों के साथ भी आ सकते हैं, हाँ आप महिला मित्र के साथ भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, तो जैसे आपका इच्छा हो। हाँ तो है भाई, क्योंकि हम लोग साथ ही में घूम रहे हैं, इसके बाद फिर आप लोग जो भी हैं जैसा भी इंजॉय करना चाहिए यहाँ पर आके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप बेझिझक आएँ और यहाँ पर घूमें टहलें, अपना समय दें बिताएँ, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर रहने के बाद। आप लोग अपना जो यहाँ पे आए हुए हैं पहले से, वो लोग अपना राय यहाँ पे आके दे फीडबैक दीजिएगा। हाँ अगर यहाँ पर गुलाबबाड़ी में हमारे दोस्त लोग जुड़े हैं हमसे तो ऊपर यहाँ पर घूम के गए हैं तो अपना रिव्यू जरूर दें, कमेंट करके बताएं हाँ भाई यहाँ पर घूमे हैं क्या, कैसे क्या होता है, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ध्वज है ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज, देखिए काफ़ी अच्छी से यहाँ पर देखिए हवा की जो झोंका चल रहा है और कितना अच्छा फैर रहा है, देखिए इतना अच्छा यहाँ पर से एकदम झंडा के एकदम फर फर पर उड़ रहा है, एक शुद्धकार का कार्यक्रम हो रहा है। हाँ यहाँ पर भाई कुछ लोग जो है जैसे मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होना तो निश्चित है, तो वहाँ पर भाई कुछ लोग आ जाते हैं जो कि भाई क्या बोलते हैं शुद्ध बोलते हैं गांव में, तो यहाँ पर संस्कार शुद्ध संस्कार जैसे बार बाल छिला करके उसके बाद यहाँ पर आते हैं लोग, तो वहीं पर काम करते हैं। बाकी आप लोग देख रहे हैं ये स्मारक है और इसका जो प्रवेश द्वार है आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है इसका प्रवेश द्वार, आप अंदर जाके घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर दृश्य लगता है। और फिर यहाँ पर देखिए हमारे पीछे भी यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर जो है अपना क्लिप बना बना कर अपने साथ लेकर जाते हैं, तो आप लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी सर्वेक्षण हैं सबको व्यवस्थित करके रखा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी